तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अयान रेसिपी चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ सूजी का कतली रेसिपी और बहुत ही सिंपल बनाना बताएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इसे बनाते हैं। कढ़ाई में हम 2 टेस्पून घी डालेंगे और 250 ग्राम रवा ले लेंगे, डाल देंगे और 5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे स्लो आँच पे। ज़्यादा इसे जलाना नहीं है और फास्ट नहीं भूनना है, फास्ट गैस पे सिलो पे ही रखना है। 5 मिनट तक भुनेंगे इसे, जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। और हमारा सूजी अच्छे से भून गया, इसे हम निकाल लेंगे एक थाली में। 5 मिनट हो चुका है तो ये देख सकते हैं, हमने ये थाली में निकाल लिया है सूजी को भूनकर। इस तरह से निकाल लेना है और हम वापस से कढ़ाई लेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, वाटर। एक कप शक्कर ऐड करेंगे पानी में, अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हमें चाशनी नहीं बनाना है गाढ़ी वाली, तो हम हल्का ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। और हम कम ही शक्कर डालें, चाहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मीठा अगर खाते हैं तो, नहीं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से हमारा शक्कर पानी अच्छे से हो गया है। चाशनी हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसमें हम नारियल डालेंगे, आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हम इसे चाकू की मदद से काट लिए हैं बारीक पीस में, कुछ लंबे साइज में पतला। इस तरह से नारियल डालेंगे, चाहे तो आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं। और इसमें हम सूजी डाल देंगे जो हमने भुनकर रखा था, अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं बहुत जल्दी सूखा हो गया, क्योंकि हमें कतली बनाना है सूजी का। इस तरह से भुन गया है। इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे वापस से। इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेना है।
और हाथों की मदद से हल्का हल्का पानी लगाकर हाथ में और इसे दबाकर इसे अच्छे से इस तरह से करेंगे हाथ से, ताकि हमारे बर्फी अच्छे से बने सूजी कतली। इस तरह से हाथ के मदद से हमें अच्छे से दबा लेना है और ये 2 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से और अच्छे से हो जाए सेट। इसमें हम हल्का सा कलर मारेंगे। जो जलेबी का कलर होता है लाल वाला, वो कोई भी कलर आप ले सकते हैं, पर हम जलेबी का कलर ले रहे हैं रेड कलर। और ये 2 मिनट के लिए हमने रख दिया था। अब ये देख सकते हैं इस तरह से हमें काट लेना है चाकू की मदद से। और ये दूसरा साइड से हम अभी काटेंगे। जैसा कतली रहता है काजू कतली, इस तरह ही हमें काटना है इसे भी। इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से दबाकर हाथ से काट लेना है। देख सकते हैं इस तरह से कितना अच्छा कट गया है। और चाकू की मदद से इसे उठाएंगे एक एक करके। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। आप लोग को अगर पसंद आती है हमारी वीडियो तो हमें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, सपोर्ट भी करें। और देख सकते हैं इस तरह से चाकू की मदद से हमें निकाल लेना है एक एक करके। हम दूसरे प्लेट में रखेंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए हमारी रेसिपी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।